फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं कहीं बाहर काम से, उसके बाद जाना मुझे डॉक्टर पे, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। और आज हम कहीं नई जगह जाने वाले हैं जहाँ डिफरेंट टाइप का फूड ट्राई करेंगे। मम्मा को पता नहीं है, मम्मा को बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। मम्मा, आपको पता है आज हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जा रहे हो? एक ऐसी जगह जहाँ मैं आपको अलग टाइप की डिश टेस्ट कराऊंगी। अच्छा, डॉक्टर का तो आपको पता ही है, अभी डॉक्टर पे जा रहे हैं, फिर हमें काम है। उसके बाद हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मैं आपको चॉपस्टिक से खिलाऊंगी। चॉपस्टिक से खाया जाएगा? एक्चुअली अनमोला, मेरा प्लान है, हमें कहीं बाहर जाना है और ऐसी जगह जाना है जहाँ मैंने देखा लोग चॉपस्टिक से खाते हैं, इवन राइस तक चॉपस्टिक से खाते हैं। मैंने सोचा राइस कैसे खा लेते हैं यार, तो मैंने सोचा जाने से पहले ना हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक नहीं, तीन चार बार जाएंगे वहाँ पे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब तक हमें आदत बन जाएगी तब तक जाने का टाइम आ जाएगा। अरे तुम देसी हो, देसी रहो ना, क्या फालतू की वो करते, प्रैक्टिस करो तब खाओ। अरे देसी हैं पर यार, जहाँ जाओ वैसे उस हिसाब से रहना पड़ता है ना। वहाँ स्कूल नहीं मिलता, क्या करें। क्या है, लेकिन एक दो बार जाके खा के देखो कैसा खाया जाता है ना। लेकिन तुम जाना वही स्पून लेके साथ में। स्पून कहाँ लेके जाएंगे, पर्स में कैसे जाके लेके जाएंगे? पर्स में ले जाना। अच्छा लगेगा वहाँ सब लोग आस पास सब चॉपस्टिक से खा रहे होंगे और हम स्पून से। ऐसा नहीं होता, बताइए कम्फर्ट होना चाहिए, जिससे हमें कम्फर्ट है ना, ये होना चाहिए। और आदम से नहीं खाया जाएगा तो भी तो अजीब लगेगा कि कैसे खा रहे हैं ये लोग। पर आदत होनी चाहिए, हर जगह जाओ तो उस हिसाब से जैसे लोग खा रहे हैं हम भी खा पाएं। तो हम देसी लोग आज चॉपस्टिक से खाने की प्रैक्टिस करें। एक बार स्टिक से खाना आ गया तो वहाँ जाके प्रॉब्लम देख लो, खाना खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो स्पून है ही देख जाना। स्पून है ही। और आप उस जगह पहले गए हो? हम पहले एक बार जा चुके हैं, वहाँ का मैंने ब्लॉग भी बनाया है। लेकिन हमने कोई ऐसी आइटम मंगाई नहीं थी जो चॉपस्टिक से खाई जाए, तो आज ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब आइटम अच्छी नहीं हो खाने में लगे तब भी प्रैक्टिस कर, पर चॉपस्टिक की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, चलो लेट्स गो। हम लोग जा रहे हैं काइफू, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पहले मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया था, पर पहले ऐसी कोई डिश ट्राई नहीं की थी जिसके साथ स्टिक आए, तो आज ऐसा कुछ मंगाने वाले हैं। मम्मा एक्साइटेड, देखो कैसे खाई जाएंगी। उनसे पहले ही बोल दूंगी ऐसी कोई डिश बताओ जिसके साथ आप स्टिक दोगे, स्टिक वाली चीज हमें ट्राई करनी है। चले ना, अनमोल को आ दे दो ना। हाँ, अनमोल आ रहा है, कार पार्क करके चलते हैं। चलो इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, आप ही का वेट हो रहा था सर, चलें। ये नहीं रुकता है किसी के लिए, चल पड़ता है। फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर कर दिए थाई नूडल्स। हम सोच रहे कि कुछ डिफरेंट ट्राई करें, पर समझ में नहीं आया नूडल्स के अलावा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिशेस साथ दे करके, तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे तब वो ट्राई करेंगे। अभी वैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्टिक से खाने का, तो डिश में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सिंपल नूडल्स ही ट्राई करते हैं। तो उसी में खाना सीख लो। हाँ, उसी में ही खाना सीखते हैं। आप सोच रहे हो कर लोगे, लेकिन घंटा नहीं खाया जाएगा उससे। तो खाना तो पड़ेगा, बाहर जाना है ना, वहाँ कैसे खाओगे? ये भी है। दिखाई थी ना मैंने वीडियोस, वहाँ सब कैसे खा रहे हैं, सब स्टिक से खा रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ अलग आइटम, ये अलग ऑप्शन दिए जा रही है। बारह फोक ले जाना, फोक ले जाना। नहीं नहीं, हम स्टिक से ही खाएंगे, जहाँ जाओ वैसा बन के रहना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष है ना, यही कहते हैं ना, तो वैसे ही खाएंगे, है ना। ये तो अपनी सेल्फीज में ही लग जाता है आगे। हमने ये ऑर्डर किया है पेट थाई नूडल्स। अनमोल, ये वाली स्टिक है ब्लैक वाली? ये है वुड वाली है, इससे खाया जाएगा। अच्छा, ये तोड़नी नहीं होती, ऐसी खानी है? ऐसी खानी है, है? आप बता देना, हमें पता ही नहीं है कैसे खाते हैं। एक घंटे में तो खा ही लेंगे हमसे। एक घंटे तो खा ही लेंगे। ये ना, ये क्या है ना, ये प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। हाँ, ये फर्जी लोगों के लिए, हम जैसे कि चिपकी हुई है, शायद नहीं होती होगी, शायद ऐसी होती होगी, ऐसी होती होगी। ये किस लिए है? ये किस लिए भैया? ये भी ठीक है, वो भी नूडल्स खाने के लिए है। ये ना, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए तो खाते हैं। हाँ, ये हम जैसे अनाड़ी लोगों के लिए, जैसे अनाड़ी लोगों के लिए। अच्छा, ऐसे होल्ड करना होता है, ऐसा करो खरीद लो घर में। सही कह रहे हो, खरीद ही लेते हैं, काम तो करते हैं घर में। आप राइस बनाओगे, उसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे हम खाने की। कब से प्रोफेशनल? आपने किस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू करी? जैसे मैंने पराठा खाने की प्रैक्टिस करी है फोक से। हाँ, पराठा फोक से, वाह।
पता है क्या दिल्ली में आप गए थे कौन से उसमें गए थे किस में गए थे अरे कौन से होटल में गए थे वहाँ पे हाँ। ये फॉक्स ही खानी थी आपने किसी फॉरेनर को देख लिया होगा हाँ। फॉरेनर को देख के मम्मा फोक से खाने लगी पराठा मुझे अभी रामनगर नहीं गए थे हम लोग हाँ हाँ रामनगर में कोई खा रहा था ना फॉरेनर वो सब चीज़ें फोक्स ही खाते हाँ मैंने भी नोटिस किया था इंडियन लोग तो फोक्स से खाते भी हम हाथ से खाते हैं मैंने अभी फिर आपको भी देसी रहना चाहिए हमें बोल रहे हो देसी रहो नहीं आना चाहिए ना सब चीज़ें यही तो मैं बोल रही थी आना चाहिए तभी तो हम आए यहाँ पे मैं तो वैसे कह रही सीखे ले जाना स्पून भी फॉक भी नहीं खाया तो खा लेना उससे वो देख लेंगे अगर नहीं प्रैक्टिस हुई तो अभी तो अनाड़ी हैं प्रैक्टिस करते हैं अगर अच्छे से खा पाए तो फिर स्टिक से ही खाएंगे लेकिन अपना ले जाना हाँ लेके तो जाएंगे सफर में जाते हैं ले आना प्लेट्स कटोरी सब चीज़ लेके जाते हैं ना हाँ वो तो लेके जाते हैं वो ले आना फॉक भी यही करेंगे स्पून भी मोर चला गया है अपना बाहर फोटो शूट करने जब तक डिश नहीं आती तब तक अपना फोटोशूट करेगा तब तक मैं देख रही हूँ अलग अलग स्टिक्स ये आज लग रही है मेरे को ब्लैक वाली पर ये प्रोफेशनल्स के लिए है तो पहले उससे शुरुआत करेंगे मैंने मसाई कह रही थी हाँ खरीदो खरीद के फिर क्या करें घर में खाएं इसी से खाओ घर में ये सही ऑप्शन दे रहे हो आप यहाँ पे तो ज़्यादा पड़ेगा मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे खाएंगे पता चला दो बार इससे खाया फिर बाद में स्पून ही फोक ले लिया हाँ ये है खरीद लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से आ गई नूडल्स हमारे नूडल्स वो बाहर चला गया उसको फोन करना पड़ेगा बुलाती हूँ फिर स्टार्ट करते हैं स्टिक से खाना यम्मी यम्मी नूडल्स कैचअप भी आ गई है चलो इससे देखें हम प्रोफेशनल लोगों को अरे ये तो खा रहा है ठीक से ये जी तो खाई जाती है कुछ अलग सा लेते हैं था अलग सा क्या लेते हैं तभी तो मैं कुछ अलग सा लो जो उससे अलग सा फिर वो टोफू था ब्रोकली और टोफू तो वही मंगाना था चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे भी तो हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे ये तो सेम चौबीन को ऐसे खाते हैं होक से वैसा ही हो गया तो पहले थोड़ा वैसा होना चाहिए ना बिगिनर होता है वो स्टार्ट करता है पहले नॉर्मल चीज़ों से उसके बाद आता है दूसरे उस पे हाँ ये मैं कभी मैंने कुछ नहीं बोला खाया जा रहा है इससे नाम से अनमोल नॉर्मल लग रहा है तो ठीक से तरीके से खा रहा है ऐसा प्रोफेशनल है मुझे लगा था खा नहीं पाएगा नाड़ी उधर खाएगा इससे खा के देखा हाँ इससे खाने का देखते हैं कैसे खा रहा है इसको तो होल्ड करना भी नहीं आएगा ठीक से होल्ड करना आ रहा है नहीं आ रहा ना आप लोग खा पा रही हूँ अरे स्टिक को ना तोड़ दूंगे और गाइस यार इतनी मिर्ची वाली है कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक मंगानी पड़ी होल्ड में ज्यादा दिक्कत आ रही है होल्ड करने में ना मैं हमारी जो ज्वाइंट है ना हमारी ज्यादा बेटर हाँ आपकी ज्यादा बेटर है फिर ज्वाइंट है ना लेकिन वहाँ तो ऐसी मिलेगी ना तुम्हें मतलब है ना हाँ ज्वाइंट नहीं मिलेगी वहाँ भी ऐसी सेपरेट ही मिलेगी जी सेपरेट से प्रैक्टिस कर रही हूँ ऐसे ऊपर ना ऊपर से होल्ड कर रहे हैं प्रैक्टिस अच्छी हो रही है एक तो ये होल्ड नहीं हो रहा है चलो आ गया खाना आगे बार और आएंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी अब कुछ दूसरी आइटम होगा ना हाँ तब कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे अभी पहली बार था तो सोचा नूडल्स ही मंगा रहे हो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ डिफरेंट आइटम मतलब पहले वाली आइटम ट्राई करेंगे पहले स्टिक पकड़नी तो आ जाए हाँ ना स्टिक पकड़नी आ जाए पता चला टोफू में टोफू ही नहीं आ रहा है इतने उधर खुद भी इजी टोफू ही नहीं आ रहा कैसे करते अनमोल अभी कुछ डिफरेंट स्टाइल से खाने की कोशिश कर रहा है कुछ नया से निकाला है कैसे रोल करो फिर खाओ मम्मा ब्लैक स्टिक से ट्राई कर रही हैं खाने का और मेरा तो हो गया मैं तो आ गई फोक पे हाँ मुझे पता था छोड़ दी स्टिक छोड़ दी फोक पे आ गई फोक पे आ गए
ये भी फोक पे आ गया क्या? नहीं ये तो हाँ ये भी फोक पे आ गया। आ जाओ कुछ खरीदते हैं। हाँ चलो आ जाओ। मैं यहाँ से लाया था वो ओरियो वाला जो लाया था ना, ओरियो वाला। हाँ वेफर्स जो थे। मैंने पूछा क्या लेके आया, मेरे लिए ओरियो वाला वेफर्स लेके आया। मैं पिज्जा ये खाएगा, मेरा तो पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगी पिज्जा। ये खाएगा इसको स्टिक से खाने में ना, वो एक होता ना पेट का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि पेट भर गया, इसलिए इसको रहा है कुछ अलग कुछ खाता हूँ। कुछ लिया? क्या लिया जाए, इतनी आइटम ढूंढना क्या? आपको तो यही पसंद है। ये वाला पसंद आता है, ये भी प्लम वाली आइटम। हाँ बिल्कुल, ये अलग आया, ये इलायची वाला। नहीं इलायची तो लेती पी रखा है, मैंने नहीं किया कभी ट्राई। क्या ढूंढने जा रहा है ये, जो लेना है ले ले। ये मैंने खाई हुई अली मूसली, बहुत अच्छी होती है। हर चीज अवेलेबल है। हाँ हर चीज है यहाँ। क्या मल्टीग्रेन आटा मिल जाएगा? ये अच्छा है, इंस्टेंट उपमा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हैदराबादी बिरयानी, हाँ ये शायद बनी बनाई है, जस्ट ईट टू ईट। हाँ बस गरम करके ही खाने वाली है शायद। ऐसा करते ये पराठे, ये आइटम अच्छी है। मैं तो ऐसा चलती हूँ घूमने। हाँ बना बनाया आलू का पराठा, सिक्स पीस है इसमें। ये लोग ऐसा करेंगे अपने बनाते हैं खाते हैं। हाँ ये बेटर रहता है, हम लोग घूमने निकल जाते हैं, पापा अनमोल खा लेंगे घर में। जब जाएंगे ना इनके लिए वाले पैकेट रख के चले जाएंगे। यही करना पड़ेगा। मम्मा और मैं जा रहे हैं ट्रिप पे, मम्मा मैं ट्रिप पे जा रहे हैं, और तुम्हारे लिए ये आलू का पराठा, थेपला, पाव भाजी, ये सब रख के जाएंगे। पापा और तुम गर्म करके खा लेना, ठीक है? पापा किसी के हाथ खाना खाना नहीं है। हाँ पापा को आपके हाथ का ही खाना पसंद आता है, ये तो खा लेंगे। ये तो खा लेंगे, इसमें सिर्फ गर्म करना है। बिरयानी भी है, इवन बिरयानी भी मिल रही है। ये किसी के हाथ का भी बना होगा, ये भी तो बना ही होगा। वही तो पापा को होता है, मैं खाना किसी के हाथ का नहीं खाऊंगा, सिर्फ मम्मा के हाथ का खाऊंगा। तो बस इसी वजह से जहाँ जाना होता है मैं ही अनमोल निकलते हैं, पापा बिजी रहते हैं तो मैं ही अनमोल ट्रिप पे निकल जाते हैं। लेकिन ये अच्छा ऑप्शन बताया है। बासमती क्यूट है यार, पिंक कलर बासमती अच्छी लग रही है ना। क्या ले रहे हो? आइसक्रीम में भी काफ़ी वेराइटी है। पिज्जा खाना है, पहले अभी पिज्ज़ा खाना है। मैंने ये लिया है, कुछ खट्टा खाने का मन होता है तो आज बोला। अरे ये बास्केट क्यों लेते हैं मोल, फ्रोजन आइटम में देख लो, कोई फ्रोजन आइटम लेते हैं। फ्रोजन आइटम ठीक रहती है, रोज करिए लेके आओ लेके आओ, लेके नहीं आता। ये कौन सी ली? देख रहा हूँ मैं, वाली है। अनमोल लेज लेने हैं, लेज ले लो, एक ले लो, एक लेज ले लेते हैं, लेज उठा लो, एक एक पैकेट से उठा लो। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, थाई स्वीट चिली, ये भी अच्छा होगा, पर ये स्वीट में मजा नहीं आता है ना, स्वीट नहीं ना, स्वीट नहीं, तुम्हें पसंद नहीं, मुझे तो पसंद। आपके कैरेमल पॉपकॉर्न मिल गए, कैरेमल पॉपकॉर्न ले लेते हैं। और इसमें कौन सा लूँ, बेक्ड पिटा चिप्स, ये वाला ले लेते हैं। ये पसंद है ना मिर्च वाला? नहीं ये वाला ज्यादा हो जाएगा, वो वाला ले लेते हैं, वाला ले लो, वाला उठा लो, इतना ही बहुत है। चलो चले बिलिंग कराते हैं। आज बिल हो गया, भर दो। बच्चे ने यही खाना शुरू कर दिया, बिल होते ही कह रहा बिल हो गया, आ जाओ काउंटर पे बिल पे करने आ जाओ। बड़ी बहन का फायदा उठाता है, बड़ी बहन का फायदा उठाता है। तेरी आवाज़ है।
हाँ लगी नहीं रहा इसकी आवाज है ना, नहीं लगा हमें, बिल्कुल नहीं लगा हमें, लगा वो सिंगर आ रहा है। क्यों टांग खींच रहे हो यार, इतनी अच्छी भी नहीं आ रही। नहीं अच्छी आ रही है, अपनी कदर नहीं करता ये सिंगर हो गए। सीख ले कहीं से सॉन्ग, अच्छे से प्रैक्टिस कर, अपना सॉन्ग रिलीज कर दे यार। चलो करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, रिलीज करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अनमोल का आ गया पिज्जा। अनमोल कह रहा था मेरे को भूख लग रही है, तो मैं नूडल्स तो खा चुका हूँ लेकिन पिज्जा भी जरूर खाऊंगा। नूडल्स से पेट नहीं भरा मेरा। अनमोल ने दोपहर से खाना खाया हुआ है ना, हाँ दोपहर से खाया था, तो मैंने भी दोपहर से खाया था, लेकिन ये होता है ना, अनमोल कह रहा था कि नूडल्स से पेट नहीं भरा तो मैं, लेकिन पिज्जा बहुत नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल जेंट्स की डाइट में फर्क होता है ना, हम वैसे डाइटिंग वाले हैं। ओह माय गॉड, सो मच चीज। अभी इसके अंदर भी चीज है ना, इसके अंदर भी चीज है। खाओ बेटा, तुम ही खाओ, ये तो ये हम दूर से ही देख सकते हैं। दूर से देख के इसकी फोटो लेके डाल देते हैं बस। हम खाली सूंघ सकते हैं। सूंघ भी नहीं सकते, खाली देख के बैठ जाते हैं सारे। खाओगे? मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मम्मा खा ले तो खा ले, आप फेवरेट होती है चीज। चीज आपकी तो फेवरेट है, आप ट्राई कर लो। एक पीस तो खाना बनता है, बढ़िया चीज वाला। खा लो, खा लो, आप खा लो एक पीस। मेरे वैसे बहुत पसंद है ना, मैं पता है चीज वाली आइटम पसंद है आपको। इतने दिन से मेरा मन कर रहा है वो चापे खाने का। चापे क्यों नहीं पैक करा के ला रहा, कब से बोल रही हूँ। खुद ही ज्यादा नहीं कर। अच्छा आप मना कर देते, मैं उसको बोलती पैक करा रहा, आप मना कर देते। मना कर देती, चलो खाओ, डाइट खाओ तो डाइट ही करते रहो। इसका चाहिए दोपहर में जिम जाओ और रात को पिज्जा खाओ। अरे सब खाओ, पियो, ऐश करो और डाइट, फिर जिम चले जाओ। लेकिन फिर भी कहो हेल्दी होता है देखो। मैं 5-5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 5-5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। सुबह 1:30 हो जाती है ट्रेडमिल पे। हाँ सब ऐड कर दिया, खाओ चीज वाला पिज्जा। थोड़ा सा एक बाइट खाओ तुम्हारा। नहीं मैं नहीं खा रही, मेरा वैसे ही नूडल्स खा के पेट भर गया। मेरा नूडल्स खाने के बाद कुछ और खाने का मन हो नहीं रहा, तो पिज्जा अनमोल मम्मा ही खाएंगे, मैं सिर्फ देख लेती हूँ। वैसे ही चीज देख के तो हो रहा है कि ना ही खाओ, पूरा डाइट खराब हो जाएगा। वैसे ही नूडल्स खा लिया, क्योंकि ट्राई करना था कुछ स्टिक वाला आइटम, नूडल्स भी खाओ उसके ऊपर से ये खाओ, तो हो गया काम। फिर तो सारा जिम निकल जाएगा, इससे बेटर ना खाओ, बस दूर से देखो। है ना, दूर से देखो। मिंट में ना अच्छी चीज थी, काफी चीज की काफी अच्छी अच्छी आइटम थी, पर हमने लिया ही नहीं कुछ। ले लेती हूँ सैंडविच बनाने में, यूज करेंगे। अच्छा वो नहीं ली, कौन सी डाइट चल रही है? नूडल्स खा के आ रहे हो? नूडल्स खा के डाइट चल रही है आपकी? तो कभी कभी खा लेते ना। अगर आपको डाइटिशियन बना दिया जाए और डाइट देने को बोला जाए तो आप ऐसी डाइट दोगे सबको? मैं कहूंगी कुछ भी मत खाओ सारा दिन, सिर्फ एक बार खा सकते हो। हाँ तो अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुबह से तो हाँ कुछ ऐसे खाया नहीं था, सुबह से सिर्फ चाय पी दो बार। आपको मैंने देखा नहीं, लंच भी आप शायद आपने नहीं किया था, लंच भी स्किप कर दिया। पर फिर आप डाइट ऐसी दोगे, सीधा चीज वाली आइटम खाओ, कुछ मत खाओ सुबह से, रात में चीज वाली आइटम खा लो, सलाद खाओ सुबह शाम और एक चीज आइटम, चीज वाली आइटम। सही देखा, सॉर्टेड है मम्मा का डाइट चार्ट। हाँ हो गई फोटोज। हाँ हो गई, अब खा लो, लो एक भी देना मम्मा को। देखती हम लोग आ गए हैं घर और मम्मा भी समेट रही है सारा सामान जो हम लेके आए थे, उसको शेल्फ में लगाएंगी। और मम्मा बोल रहे हैं पापा के लिए कुछ बनाती हूँ, तो अभी ये बना देती, ये बनाने वाली है जो फ्रोजन आइटम लेके आए थे। मेरा वो कहाँ गया? कैरेमल वाला इसी में ही है, मैंने निकाल दिया पैकेट शायद। नहीं निकाला था वो, तो लिया है। हाँ कैरेमल पॉपकॉर्न आपको पसंद है वो तो लिए हैं, देखती हूँ यहीं पे है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। बाय कर दो सबको, बाय। अभी शीट क्यों बिछा देते हो? अरे इसलिए बिछाती ना, हम लोग की वहाँ पे लंच के बाद तो भी ये लगता है कि रटी है, डस्ट आती है। अच्छा तो इसको जैसे कोई भी सामान लाता है इस पे रख देते ना ठाके, तो अभी लंच करेंगे तो इस पे हटा देते हैं, तो फिर उनको नीट लगता है। देखो नीचे से कितना साफ सुथरा। हाँ नीट लगता है, ये बात तो है। ऐसे लगता है कि डर्टी डर्टी सॉवर। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, शीट का अच्छा आपने ये निकाला है। छोटी छोटी में लगाती रहती हूँ। अब देखो उसने ये रख दिया हेलमेट, ये सामान आ गया, कुछ की मिठाई रख दी, सबकी डस्ट या कोई सबका थोड़ा सा वो
हाँ निशान ना आए और डस्ट ना रहे, उसकी वजह से एक शीट सही है। अभी वो बात तो ठीक है, देखो हाँ अब एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है।